आज का वीडियो में हम लोग दुनिया के पांच बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमी में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन ये पांच देश ऐसे हैं जो अपना जगह दुनिया में बरकरार रखने में कायम है। यहाँ की कई साल बीतने के बाद भी इस देश का अपना जगह बरकरार है। आज का जो पांच इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है उसका लिस्ट IMF वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया है साल 2019 में, और इस इकोनॉमिक का बेस तैयार हुआ है नॉमिनल GDP के हिसाब से, जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, करेंट प्राइस और US डॉलर को पैमाने के तौर में पकड़ा जाता है। तो चलो जानते हैं कौन सा देश है लिस्ट में शामिल। नंबर एक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी USA। इस देश का नॉमिनल GDP है 21.44 ट्रिलियन डॉलर। काफ़ी हैरानी की बात यह है कि USA ने इकोनॉमी के दुनिया में अपने दबदबा बना के रखे हैं साल 1971 से। जानकारों का मानना है कि साल 2023 तक USA का इकोनॉमी करीब करीब 24.88 ट्रिलियन डॉलर तक चला जाएगा, और चाइना भी उसको पीछा करते हुए 19.41 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस देश का इकोनॉमी जहां 2018 साल में 20.58 ट्रिलियन डॉलर था, वहीं 2020 में उसका इकोनॉमी बढ़कर 22.32 ट्रिलियन डॉलर जा सकता है। नंबर टू, चाइना। चाइना का नॉमिनल GDP है करीब 14.14 ट्रिलियन डॉलर। चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा उभरता हुआ इकोनॉमी है, और उसका इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो USA जैसे देश के लिए चिंता की बात भी है। और इस इकोनॉमी के पीछे का राज है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग हब बनना, जो दुनिया का सारा इन्वेस्टर को आकर्षित करता है उसका बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और लो लेबर कॉस्ट के वजह से। और इसका सबसे बड़ा कारण है नो पॉलिटिकल ऑब्स्टाकल, क्योंकि चाइना डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जो चाहता है वही कर सकता है। 1980 साल में चाइना का नॉमिनल GDP था 305.35 बिलियन डॉलर। उसी समय USA का करीब 2.86 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था। अनुसंधान में पाया गया है 2023 तक चाइना का GDP करीब 36.99 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। नंबर थ्री, जापान। जापान का नॉमिनल GDP है 5.15 ट्रिलियन डॉलर। जापान दुनिया का तीसरा इकोनॉमी काफ़ी दिन से बरकरार है। इतना छोटा देश और इतनी सारी नेचुरल कैलामिटी के बावजूद अपना जगह कायम करने में सक्षम हुए, क्योंकि उसका निरंतर परिश्रम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे जाने में काफ़ी मदद किया है। 2008 का ग्लोबल क्राइसिस के बाद जापान को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा अपनी इकोनॉमी को पटरी में लाने के लिए, और इसी कोशिश में वो सफल भी हुए। जापान का पोजीशन 3 के जगह 4 होते होते बचा, जबकि GDP का पैमाना PPP में होने लगे। जबकि जापान का GDP पर कैपिटा 40,850 डॉलर है। जापान के आदमी का आयु दुनिया भर में ज़्यादा होते हैं। इसका कई कारण है, जिसमें वो लोग शांति प्रिय किस्म का प्रजाति हैं, और वहाँ का खान पान भी सेहतमंद है। जापान में ज़्यादातर आदमी बौद्ध धर्म को मानने वाले में से है। नंबर चार, जर्मनी। जर्मनी का नॉमिनल GDP है 3.86 ट्रिलियन डॉलर। जर्मनी सिर्फ यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी नहीं है, बल्कि दुनिया का भी चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जिसका अमाउंट करीब 4 ट्रिलियन डॉलर है। जर्मनी टेक्नोलॉजी, हार्डवर्क और वहाँ का टैलेंट उसको इस मकाम तक पहुँचाने में शामिल है। 1980 साल में जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी था, जिसका GDP करीब 850.47 बिलियन डॉलर था। बाद में जापान का तरक्की के सामने झुकना पड़ा। जर्मनी बहुत ही खूबसूरत देश है। उसका GDP पर कैपिटा करीब करीब 46,560 डॉलर है,
जर्मनी का हेवी इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। इसी के कारण जितने भी हेवी मशीन एक्सपोर्ट होते हैं उसमें ज़्यादातर जर्मनी की ही होते हैं। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। यूके मतलब ब्रिटिश एक दिन पूरा दुनिया में राज कर चुका है, लेकिन आज दुनिया का 5वां ताकत है, जिसका नॉमिनल जीडीपी करीब 2.83 ट्रिलियन डॉलर है। आज यूके एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर में प्रवासी जाके बसते हैं और काफ़ी क्राइम फ्री और शांतिपूर्ण देश भी हैं। पूरा दुनिया में आदमी पढ़ने यूके में जाते हैं। हर किसी कल्चर को यूके अपनाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2023 तक ये दुनिया का 7वां इकोनॉमी बनने जा रहा है, जिसका जीडीपी होगा 3.27 ट्रिलियन डॉलर। उसके आगे शायद इंडिया, फ्रांस, इटली जैसे देश आ सकता है। यूके एक ऐसा देश है जहां काफ़ी सारा टूरिस्ट घूमने आते हैं और काफ़ी सेफ कंट्री के रूप में भी जाने जाते हैं। इस देश का कुल जीडीपी का करीब 75% कंट्रीब्यूट करता है उसका सर्विस सेक्टर, जो दुनिया भर में मशहूर है। उसके बाद आता है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर। उसके करीब 60% फूड डोमेस्टिकली तैयार होते हैं, जबकि यूके का एग्रीकल्चर उसके जीडीपी में उतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता है। लेस देन 22% वर्कफोर्स आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जाता है और बाहर देश से आदमी यूके जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी भी दबा दें, इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।